अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कुक विद फरहत। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट डिलाइट। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट बिना क्रीम वाला 3 पैकेट, मैरी बिस्किट 3 पैकेट, हाफ कटोरी काजू, हाफ कटोरी चॉको चिप, तेल, चॉकलेट रोल्स सजाने के लिए, बेकिंग पाउडर, हल्का गुनगुना दूध 1 कप, एक मिक्सिंग बाउल और केक टिन। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी एल्युमिनियम के बर्तन में बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसे मैंने प्री हीट किया। प्री हीट करने के लिए सिम आंच पे पतीले को चढ़ा के छोड़ दे, उसमें एक स्टैंड डाल दे। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी एक सपोर्ट डाल दे। और अब यहाँ पे हम काजू को अच्छे से ग्राइंड करेंगे, लेकिन ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, उसका टेक्सचर मेंटेन रखना है। और ये काजू को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया बाउल में। अब यहाँ पे मैं चॉको चिप लूँगी। चॉको चिप में मैं यहाँ पे 4 चम्मच हल्का गुनगुना दूध डालूँगी। अगर आपके पास चॉको चिप नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चॉको चिप है और थोड़ा हार्ड है तो आप उसे ज़्यादा गर्म दूध में डाल के छोड़ दें थोड़े देर के लिए, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम प्रिपरेशन करेंगे अपने बैटर बनाने की। उसके लिए हम चॉकलेट बिस्किट लेंगे, उसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। पाउडर पूरा ग्राइंड करना है, खुरदुरा नहीं छोड़ना है, वरना उसमें केक अच्छा नहीं बनेगा। ये यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और इसी में मैं मारी बिस्किट को भी इसी तरह से ग्राइंड करूँगी। पूरा पाउडर अच्छे से ग्राइंड करना है। हमारे बिस्किट अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और अब हम इसे सेम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने चॉकलेट बिस्किट का मिक्सचर किया था। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे मेजरिंग कप लेंगे। मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे 2.5 कप लिया है पाउडर। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी आप नॉर्मल कप से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब मैं इसे सारे पाउडर को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। के बाद दूध को भी इसी तरह से मेजर करके रख लेंगे। और अब हम यहाँ पे 2.5 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास ये मेजरिंग टीस्पून्स नहीं है तो आप नॉर्मल टीस्पून ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, उससे 2.5 चम्मच लेना है। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद दोनों पाउडर को दूध डालूंगी। हल्का हल्का दूध डाल के मिक्स करना है, एक बार दूध नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और ये अच्छे से नहीं मिलेगा। दूध मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है। अगर आपके हिसाब से आप अपना दूध ले सकते हैं, जैसे आप बिस्किट चूज़ करेंगे, क्योंकि सारे बिस्किट्स के एब्जॉर्बिंग पावर अलग अलग होते हैं। इसका बैटर न ज़्यादा थिक बनाना है न ज़्यादा पतला बनाना है। और अब हम यहाँ पे इसमें तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। तेल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। के बाद अब हम यहाँ पे केक टिन लेंगे, उसमें भी हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। उसे अच्छे से मिलाएंगे ब्रश के मदद से, चारों तरफ से अच्छे से चारों साइड्स में लगाएंगे तेल, ताकि कोई भी साइड्स छूटे ना, वरना केक चिपक जाएगा। इसमें हम अब मैदा से इसको डस्ट करेंगे ताकि हमारा केक टिन में ना चिपके। उसके बाद हम इसमें अपना रेडी किया हुआ बैटर को पोर करेंगे अच्छे से चारों तरफ से। पोर करने के बाद हम इसे हल्के हाथ से टैप करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से टैप नहीं करना है। और अब हम इसे अपने प्री हीटेड पतीले में डाल देंगे और इसे ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम यहाँ पे अपना चॉकलेट गनाश रेडी करते हैं। ये देखिए चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से
इसका ग्लेज अच्छा आता है। अगर आपको तेल नहीं डालना या आपके पास तेल अवेलेबल नहीं है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 30 मिनट हो चुका है। 30 मिनट के बाद ये देखिए केक ज़रा सा भी नहीं चिपक रहा है। अगर आपका बैटर चिपके स्टिक में या हाथ में तो फिर आपका बैटर रेडी नहीं है, आप उसे 5 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं। और अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और एक हाई रैक एरिया पे इसे रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। कि हमारा केक कितने अच्छे से ठंडा हो गया है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसके साइड्स को नाइफ के मदद से हल्के हल्के से इसे चला लेंगे ताकि ये साइड्स को छोड़ दे। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम नाइफ के मदद से इसे इक्वल कर देंगे क्योंकि इसका सरफेस थोड़ा अनइवन है। कि हमने इसका सरफेस को अच्छे से प्लेन कर लिया है और अब हम इसमें इसको डेकोरेशन के लिए रेडी कर लेंगे। और अब हम इस पर चॉकलेट गनाश डालेंगे जो कि हमने रेडी किया है। अच्छे से चारों तरफ से इस पर चॉकलेट गनाश डालना है, पूरे साइड्स में लगाना है, सेंटर पे लगाना है, सब तरफ से अच्छे से चॉकलेट से इसे कवर कर देना है। हमारा चॉकलेट अच्छे से कोटेड हो गया है और अब हम इस पे काजू को अच्छे से साइड से इसमें लगा देंगे। हल्के हाथ से लगाना है दबा के ताकि चॉकलेट देखिए हमने काजू को अच्छे से लगा दिया है और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप दो नाइफ की मदद से इसे ट्रांसफ़र करिएगा वरना ये केक टूट भी सकता है। मैंने
ने इसे सर्विंग प्लेट में रख दिया है। प्लेट में रखने के बाद अगर साइड्स हल्के से भी छूट गए हो, काजू के जहाँ पे काजू ना लगा हो स्टिक हुआ हो, वहाँ पे हम काजू को फिर से अच्छे से लगा देंगे। पूरा अच्छे से कोट करना है। काजू हम ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम चोको रोल्स लेंगे। इसे आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे साइड्स में पूरे चॉकलेट शॉट्स लगा दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी सजा सकते हैं इसे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा केक अच्छा लगा हो तो इसे ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारा केक रेडी है, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।